नमस्ते साथियों, जन सरोकार मंच की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और बच्चे कैसे सीखते हैं, इस किताब पर आज फिर से आपके साथ बात करूंगा। इस किताब पर पहले भी मैं एक बार आपके साथ बात कर चुका हूं, तब मैंने इस किताब के पहले हिस्से पर बात की थी। मेरी योजना मूलतः ये थी कि इस किताब के हर हिस्से पर अलग अलग बात की जाए। तो पहली बार मैंने आपके साथ इस किताब पर भूमिका पर बात की थी, प्राक्कथन पर बात की थी, और मैंने इस किताब के मुख्य हिस्सों पर बात की थी। तो आपको याद होगा कि इस किताब के चार मुख्य हिस्से हैं। पहला है पैंतरेबाजी, दूसरा भाग है भय और असफलता, तीसरा भाग है वास्तविक ज्ञान, और चौथा भाग है कि स्कूल असफल कैसे होते हैं, और आखिर में इसमें सारांश दिया गया है। तो हम अगर थोड़ा याद करें तो पैंतरेबाजी में हमने बात की थी कि चार पांच तरह के पैंतरे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जिनको हॉल्ट ने अपने स्कूल में बच्चों के साथ काम करते हुए पहचाना था। पहला पैंतरा था कि बच्चे अक्सर फुसफुसाकर या बुदबुदाकर बोलते हैं, यानी वे जवाब साफ शब्दों में नहीं देते। दूसरा पैंतरा था कि बच्चे यह कोशिश करते हैं कि अध्यापक से जवाब कैसे उगलवाया जाए, तो वो लगातार खुद जवाब न देकर इंतजार करते हैं कि बच्चे उस सवाल का जवाब, मतलब अध्यापक उस सवाल का जवाब दे दे। तीसरा पैंतरा था कि बच्चे तुक्का भिड़ाते हैं और अध्यापक के जवाब का इंतजार करते हैं। चौथा पैंतरा था कि बच्चे कई बार अनुमान लगाते हैं और अध्यापक का चेहरा देखते हैं। इसको हम तुक्का भिड़ाने वाले में भी ले सकते हैं। और एक पैंतरा और था कि बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे चुप्पी साध जाते हैं, यानी जब आप सवाल पूछते हैं तब तो वो जवाब देते नहीं है। इन पैंतरों पर हमने पहले हिस्से में काफी बात की थी। ये भी बात की थी कि बच्चे पैंतरे क्यों अपनाते हैं। तो इसकी एक वजह जॉन होल्ट हमें ये बताते हैं कि बच्चे पैंतरे को इसलिए अपनाते हैं कि बच्चे डरते हैं, और इन पैंतरों का स्रोत होल्ट के मुताबिक अध्यापक में होता है। जॉन होल्ट ने जब भूमिका लिखी थी किताब की, तब तो उन्होंने उसमें भी जिक्र किया था कि बच्चों की नाकामी की तीन वजह हैं। वो कहते हैं बच्चे डरते हैं, बच्चे ऊबते हैं, और बच्चे भ्रमित रहते हैं। और इसकी वजह भी बताते हैं कि भाई बच्चे ऊबते किससे, मतलब डरते किससे हैं। तो जॉन होल्ट कहते हैं कि बच्चे बड़ों को और वयस्कों को नाराज करने से डरते हैं। फिर वो कहते हैं बच्चे ऊबते किससे हैं, वो कहते हैं बच्चे निरर्थक और नीरस कामों से ऊबते हैं। और इसी तरह जब वो कहते हैं कि बच्चे भ्रमित किससे होते हैं, तो हॉल्ट को लगता है कि बच्चे अर्थहीन शब्दों की बाढ़ से भ्रमित होते हैं। और पिछली बार हमने ये भी बात की थी कि जॉन होल्ट ने किताब लिखी तो उनके मन में कुछ सवाल थे कि जैसे ये स्कूलों में जो बच्चों की व्यापक असफलता है वो क्यों है। तो जॉन होल्ट जानना चाहते थे कि कक्षा में आखिर होता क्या है, और असफल होने वाले बच्चे कक्षा में करते क्या है, वे बच्चे क्या सोचते हैं। और जॉन होल्ट की चिंता यह भी थी कि वे बच्चे अपने सामर्थ्य का उपयोग करते क्यों नहीं। इन सब चीजों पर हमने भाग एक में बात की थी। आज मैं आपके साथ भाग दो पर बात करूंगा, दो में बात करूंगा, और मैं इसमें कोशिश ये करूंगा कि जो दूसरा हिस्सा है इस किताब का, जिसका नाम भय और असफलता है, उस हिस्से पर बात करूंगा। उस हिस्से में भी पहले हिस्से की तरह जॉन होल्ट ने अपने बहुत सारे अनुभव शेयर किए हैं, और साथ साथ उन अनुभवों में को का एक ढांचा भी गढ़ने की कोशिश की है, लेकिन उसमें अनुभव बहुत बिखरे हुए हैं। तो मैंने कोशिश ये की है कि भय और असफलता वाले हिस्से को थोड़ा व्यवस्थित करके आपके सामने रख सको। तो मैं इसमें करूंगा ये कि उस ढांचे को आपके सामने रखूंगा, और ढांचे के साथ साथ इस किताब के कुछ हिस्से पढ़ूंगा जिनकी मदद से उस ढांचे को समझा जा सके। तो जैसे जॉन होल्ट कहते हैं कि भाई बच्चे जो असफलता का भाव महसूस करते हैं वो क्यों करते हैं, तो जॉन होल्ट कहते ही हैं कि ये जो असफलता या नाकामयाबी का भाव है, ये बच्चों का भाव नहीं है, ये वयस्कों का भाव है।
और वयस्क यानी बड़ों, यानी हमने ये भाव बच्चों में पैदा कर दिया है, बच्चे तो नाकामयाबी को महसूस नहीं करते। और इस बात के लिए जोन वॉल्ट कई उदाहरण देते हैं, तो मैं आपको दो उदाहरण पढ़ के सुनाता हूँ जो जोन वॉल्ट ने जिक्र किया उसमें। जैसे जोन वॉल्ट एक जगह कहते हैं कि मेरा केवल इतना ही कहना है कि सफलता व असफलता दोनों ही वयस्क विचार हैं जो हम बच्चों पर आरोपित करते हैं। दोनों सिक्कों के दो पहलुओं की तरह साथ साथ चलते हैं। यह कल्पना ही करना असंभव है कि हम बच्चों में सफलता के प्रति प्रेम, उनमें असफलता के प्रति भय जगाए बिना भी पैदा कर सकते हैं। फिर जो उन्होंने एक उदाहरण लेते हैं साइकिल चलाना सीखने का, वो कहते हैं कि बच्चे चलना सीखने वाले बच्चे बार बार गिरते हैं। 6-7 वर्ष के बच्चे साइकिल चलाना सीखते समय कई बार लुढ़कते हैं और चोट खाते हैं, पर गिरते ही ये बच्चे ये नहीं सोचते, लो देखो मैं फिर से नाकामयाब हो गया या मैं फिर से असफल हो गया। नन्हे शिशु, छोटे बच्चे अपने आप अपनी बनाई कठिन योजनाओं से जूझते समय केवल यही सोचते हैं कि लो अभी नहीं हुआ, चलो फिर से करें। चलते समय या साइकिल चलाना सीखते समय बच्चे यह भी नहीं सोचते, वाह मैं तो सफल हो पा रहा हूं। वे सिर्फ यही सोचते हैं, वाह अब तो मैं चल पा रहा हूं। चलने या साइकिल चलाने के काम में ही उनका आनंद निहित है, न कि सफलता के किसी विचार में। तुम देख सकते हैं कि जॉन वॉल्ट बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को किसी काम को करने के संदर्भ में देख रहे हैं, और वो कहते हैं कि बच्चे ये देखते हैं कि वो उस काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो बच्चे सोचते कि मैं अभी नहीं कर पाया, चलो फिर से करता हूं। वो अपने आप से ये नहीं कहते कि मैं नाकाम हो गया या मैं असफल हो गया। ऐसी जॉन वॉल्ट एक जगह और जिक्र करते हैं कि वो देखते हैं कि उनकी भांजी जो है वो किसी कलम के साथ खेल रही है, तो उसका वो अवलोकन भी करते हैं और अपने विचार भी साथ साथ बताते हैं। जैसे एक जगह उन्होंने जिक्र किया है कि उस दिन मेरी 17 महीने की भांजी ने मेरी कलम को देखा और उसकी ओर हाथ बढ़ाया। कलम पर प्लास्टिक के ढक्कन को उसने कुछ खींचा ताने के बाद खोल लिया, उसे ध्यान से देखा तब वापस लगा लिया, फिर खोला फिर लगाया। खेल अच्छा था। अगर मुझे अपनी कलम इस्तेमाल करनी हो तो उसे अपनी नन्ही भांजी की नजरों से दूर ही रखना पड़ता है, क्योंकि वह तो उसे देखते ही उससे खेलना चाहती है। जिस कुशलता से वह ढक्कन वापस लगाती है उससे मुझे अक्सर विशेषज्ञों द्वारा अंग संचालन, बच्चों में अंग संचालन और संतुलन में कमी के विषय में कही गई बातों पर आश्चर्य होता है। अगर स्थितियां सही हों और बच्चों की रुचि किसी चीज में जग जाए तो वे हमारे अनुमान से कहीं अधिक क्षमता दर्शाते हैं। फिर आगे जॉन वॉल्ट उसका जिक्र करते हैं कि इन गर्मियों में मैंने कई कई घंटे इस नन्ही बच्ची को देखने में बिताए हैं। मुझे तो यह साफ साफ दिखता है कि वह वैज्ञानिक है। मैंने उसे हमेशा किसी न किसी प्रयोग या प्रेक्षण में जुटे हुए देखा है। खाली तो वह कभी नहीं बैठती, जितने घंटों वह जगी होती है वह पूरे मनोयोग से किसी न किसी उद्देश्य में सक्रिय रहती है। वह तो मानो अनुभवों को सोखती है, उनके कामों को समझने की चेष्टा में लगी रहती है। वह हमेशा यह जानने को बेताब रहती है कि अपने आसपास रखी चीजें क्या क्या करती है और अपनी मर्जी से वह उनसे क्या क्या करवा सकती है। जब भी कोई अड़चन उसके सामने खड़ी होती है तो उसे यह साफ लगता है और उसे यह साफ लगता है कि वह उस बाधा को पार नहीं कर पाएगी, तब भी वह कोशिश करना नहीं छोड़ती। अपने आसपास के वातावरण को नियंत्रित करने के उसके अधिकांश प्रयास असफल ही होते हैं, लेकिन निराशा या हताशा उसे छू तक नहीं जाती, वह लगातार बढ़ती जाती है। शायद इसलिए क्योंकि यहां पर असफलता के प्राकृतिक दंड के अलावा कोई दंड नहीं होता। किसी गेंद पर खड़े होने की कोशिश वह करे या कोई करे तो वह लुढ़क कर गिरेगा ही। असफलता को लेकर एक शिशु और वयस्क की प्रतिक्रियाओं में जमीन आसमान का अंतर होता है, बल्कि एक शिशु की प्रतिक्रिया एक 5 वर्षीय बच्चे की प्रतिक्रिया से भी अलग होती है। एक शिशु को असफल होने या नाकामयाब होने से लज्जा नहीं आती, आत्मग्लानि नहीं होती, अपराध का बोध नहीं होता। कोई भी शिशु अपने से बड़ी उम्र वाले बच्चे की तरह स्वयं अपने को कठिन या अपरिचित कामों से बचाता नहीं है।
हमारी इस नन्ही में नए अनुभवों की ललक है, वह तो मानो जीवन का आलिंगन करने कोई अधीर और आतुर रहती है। तुम देख सकते हैं कि इन दो अनुभवों में की मदद से कि जॉनर्ट ये कहने की कोशिश करते हैं कि बच्चे सफलता असफलता को उस अर्थ नहीं देखते जैसे कि बड़े देखते हैं। उनके लिए किसी काम को करना उस काम को सीखने की प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर होता है। वो करते हैं, अगर कामयाब होते हैं तो फिर से करते हैं, नाकामयाब होते हैं तो फिर से कोशिश करते हैं, कामयाब होते हैं तो इसलिए कोशिश करते हैं कि वो उस काम को अच्छे से कर सकें या ये समझ सकें कि हम इस काम को करने में काबिल है या नहीं है, या हमारा उस काम पर नियंत्रण है या नहीं है। तो फिर जॉनर्ट मुझे लगता है इस खाके में अगली बार जॉनर्ट ये कहते हैं कि जैसे पहली बात ये कही कि दोनों में फर्क होता है, फिर कहते हैं भाई नाकामयाबी के बारे में बड़ों का नजरिया जो है वो इस तरह का है कि बड़े क्या करते हैं कि नाकामयाबी या असफलता के डर से पैंतरे आजमाते हैं। तो इसका उलट इसका मतलब ये भी कह रहे हैं साथ साथ कि बच्चे, छोटे बच्चे, शिशु खास तौर से जो 2-3-4 साल के होते हैं, वो आपको पैंतरे आजमाते हुए नजर नहीं आएंगे जिस तरह के पैंतरे कक्षाओं में बड़े बच्चे आजमाते हैं या कक्षाओं में बच्चे आजमाते हैं। जोनल डी भी कहते हैं भाई ये जो पैंतरे आजमाते हैं डर से, तो उसकी भी एक दो उदाहरण लेते हैं कि जैसे वो उन्होंने एक जैक का किस्सा सुनाते हैं कि जैक उनके स्कूल में उनकी कक्षा में बच्चा है जो बहुत ही फुर्तीला है, बहुत स्वस्थ है, खेलने में बहुत अच्छा है। लेकिन वो जोनल देखते हैं कि जब भी फुटबॉल खेलता है तो बीच में कई बार गिर जाता है, और गिरते वक्त ऐसा नहीं है कि कोई उसको धक्का दे रहा है, ऐसे गिर रहा है, तो होल्ड नोट करते हैं कि वो अपने आप गिरता है। तो फिर होल्ड ध्यान से देखते हैं, वो दर्ज करते हैं कि कब कब गिरता है। तो उनका ध्यान इस बात पर जाता है कि जब जब कोई बड़ा खिलाड़ी या बड़ा बच्चा उसके सामने आता है जिसके जिस देख कर उसे लगता है कि वो उससे जूझ नहीं सकता, तो तुरंत गिर जाता है। तो जोनल कहते हैं, अपना अनुभव जोड़ते हैं कि मैं भी जब संगीत बजाता हूँ और मुझे संगीत में कोई मुश्किल स्वर बजाना हो और मुझसे नहीं बजता तो मैं गलती कर देता हूँ। और गलती करने से होता है क्या है कि मेरे मन में जो तनाव होता है वो तनाव एकदम दूर हो जाता है। मैं कहता हूँ ठीक है, मुझसे नहीं हुआ, गलती हो गई। तो जोनल्ड अपने अनुभव को उस बच्चे के अनुभव से जोड़ते हैं कि ये बच्चा भी जो गिर रहा है बार बार, ये संभवतः गलती करके फिर निश्चिंत हो जाता है कि भाई इसका तनाव दूर हो गया, फिर खड़ा होता है, फिर खेलना शुरू करता है। फिर जैसे ही सामना होता है किसी बड़े बच्चे से जिसके साथ फुटबॉल ठीक से नहीं खेल सकता, तुरंत फिर गिर जाता है। तो जोनल्ड इस किताब में ये भी करते हैं कि लगातार अपने अनुभवों का भी विश्लेषण करते रहते हैं। वो बच्चों के अनुभवों को देखते हैं और उनके अनुभवों का विश्लेषण करते करते खुद के अनुभवों को भी याद करते हैं। फिर जोनल्ड कहते हैं भाई ये जो नाकाम या असफल होने का डर पैदा कैसे होता है, कि एक तरफ वो कह रहे हैं जो बच्चा शिशु है तो उसमें नाकाम होने का डर नहीं है, वो उस चीजों को करता है, नहीं होती है फिर भी करता है, करती है फिर भी करता है, तो दोनों बार वो कर करके चीजों को सीखता रहता है। तो जोनल्ड को लगता है कि ये जो नाकामयाब होने का डर है बच्चों में, वो उन्होंने पहले भी कहा कि बड़े पैदा करते हैं। जोनल्ड कहते हैं बड़े क्या करते हैं, बच्चों पर विश्वास नहीं करते और बच्चों की सीखने की काबिलियत पर भरोसा नहीं करते, और इस अविश्वास को या बच्चों के सीखने की काबिलियत पर खुद के भरोसे के न होने को बड़े किसी न किसी तरह जाहिर कर देते हैं, और उस वजह से बच्चे उसको देखकर समझकर नाकाम होना शुरू कर देते हैं। इसमें भी जॉन होल्ड ने कई किस्से लिखे, मैं दो एक किस्से पढ़ के सुनाता हूँ। एक किस्सा है झूले पर बच्चों के झूलने का और एक किस्सा है खाना परोसने का। दोनों किस्से या दोनों घटनाएं हमारी यह समझने में मदद करेगी कि कैसे बड़ों का अविश्वास बच्चों को किसी काम को करने में असफल कर देता है। जैसे पहली घटना वो लिखते हैं कि सालों पहले मैं लंदन के हॉलैंड पार्क के एक बगीचे में गया था। वहां पर बच्चों के चढ़ने के ढेरों पेड़ थे, उनसे रस्सियां लटक रही थी, बच्चे उन पर चढ़कर लटक या झूल सकते थे। इसी तरह के तमाम दूसरे इन्वर्टेड कॉमे खतरनाक खेल भी थे। मैंने देखरेख करने वाले युवक युवतियों से जानना चाहा कि वहां खेलते खेलते कितने बच्चों को चोट लगती है। उनका उत्तर था कि जब से वयस्कों को अंदर आने पर पाबंदी लगा दी गई है तब से कोई बच्चा घायल नहीं हुआ है। जब माताएं बच्चों के साथ आया करती थी तो वे बराबर यह न करना, वह न करना, अरे यह तो बड़ा खतरनाक खेल है आदि कहा करती थी। बच्चे उन नसीहतों से इस कदर नाराज और अपमानित हो जाते थे कि उनमें समझ क्या रखा है, चलो ठहरो मैं भी कुछ करके दिखाता हूं।
का भाव जग जाता था। ऐसे में वे अपने लिए एक बेहद ऊंचा पेड़ चुन लेते या कोई बेहद कठिन काम करने के लिए दौड़ा करते थे। खतरे के सामने स्वयं को पाकर अपनी माँ से गिर जाओगे कि चिल्लपों सुनते सुनते वे इतना बौखला जाते थे कि नीचे उतरने के बजाय धमाके से नीचे गिर पड़ते थे। खेल बाग के व्यवस्थापकों ने तब बाग के वयस्कों के बैठने की व्यवस्था कर दी, जहां माएं आपस में गपशप कर सकती थीं। उनके बच्चे खेलते समय उनकी नजरों से दूर रहते थे। प्रबंधकों ने यह भी बताया कि इस व्यवस्था के बाद सबसे बड़ी दुर्घटना जो हुई है वह पैर में हल्की सी मोच आने की थी। जाहिर है कि अगर बच्चों को स्वयं निर्णय लेने दिया जाए तो साहसिक कार्यों को चुनने में वे सावधानी बरतते हैं। यह तो तय था कि खेल बाग में आकर वे कुछ न कुछ जोखिम उठाना चाहते थे, पर उन स्थितियों का सामना करने या उन खतरनाक स्थितियों का सामना वे ठंडे और संतुलित दिमाग से करना भी जानते थे। तो ये तो एक घटना लिखी उन्होंने बाग में, कैसे छोटे बच्चे झूला झूलते हैं और कैसे जब बड़े उनको टोकते हैं तो वो झूला झूलने में या किसी काम करने में नाकाम हो जाते हैं, और जैसे ही बड़ों को टोकने से रोकने के लिए दूर कर दिया जाता है तो बच्चे बड़े आराम से उन्हीं कामों को करने लगते हैं। ऐसे ही जॉन ऑल्ट ने एक और घटना का जिक्र किया है, वो भी हमें यही बात साफ तौर पर दिखाती है। जैसे एक घटना का जिक्र करते हैं कि जिस स्कूल में जॉन ऑल्ट काम करते थे वहां पर पांचवी कक्षा से पहले बच्चों को खाना परोसने का काम नहीं सौंपा जाता था। स्कूल में कुछ मनोवैज्ञानिक भी काम करते थे। उनका मानना यह था कि 10 साल की उम्र से पहले हम बच्चों पर यह भरोसा नहीं कर सकते कि वे डोंगे तश्तरियां उठाए, मतलब बिना गिराए उठा सकेंगे और खाना दूसरों को परोस सकेंगे। जब बच्चे अपनी कक्षा से किसी दूसरी कक्षा में या एक भवन से दूसरे भवन में जाते हैं तो भी उनको रास्ता दिखाने के लिए एक वयस्क उनके साथ होता है। उन्हें एक सीधी कतार में चलना पड़ता है और उनमें से कोई बच्चा एक बच्चा उस कतार का नायक भी चुन लिया जाता है ताकि वह शिक्षक की मदद कर सके। ऐसे नियम के बिना बच्चे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच भी सकेंगे इसकी कल्पना भी नहीं की जाती। बिल जिनके साथ जॉनल्ट काम करते थे, तो बिल और जॉनल्ट के बारे में जॉनल्ट कहते हैं कि हम दोनों बच्चों से स्नेह करने के बावजूद ऐसे कई पूर्वाग्रहों के शिकार थे। इसलिए कुछ सालों बाद जब लेस्टरशायर इंग्लैंड के एक पब्लिक स्कूल में 6 वर्ष के कई बच्चों को रसोई से खाने की मेजों तक भोजन ले जाते देखा, वह भी शिक्षकों की गिद्ध दृष्टि के बिना, तब हम हैरान रह गए। लौटकर अपने साथियों को इस अजूबे के बारे में बताया तो उनकी प्रतिक्रिया थी, भाई ब्रितानी बच्चे अलग तरह के होते हैं, अमरीकी बच्चों से ऐसा कुछ नहीं करवाया जा सकता। हमें यह कभी नहीं सूझा कि हमारा तिरस्कार भरा दृष्टिकोण बच्चों के सीखने संबंधी कई समस्याओं का कारण भी हो सकता है। दुनिया के बारे में कुछ भी सीखने से पहले हमें उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। मन में यह आस्था भी होनी चाहिए कि दुनिया एक सुसंगत जगह है और उसका कोई अर्थ भी है। स्कूल में कराए गए कामों के मार्फत हम एक अर्थहीन और खंडित दुनिया बच्चों के सामने रखते हैं, ऐसी दुनिया जिनके एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के साथ कोई जुड़ाव नहीं होता, और तो वो दुनिया बच्चों के जीवन के अनुभवों से कटी हुई भी होती है। हम अपने प्रत्येक व्यवहार से उन्हें स्वयं पर शंका करना सिखाते हैं, फिर जैसी रणनीतियां वे अपनाते हैं उस पर हमें आश्चर्य क्यों होना चाहिए। जॉनल्ट ये भी कहते हैं, अब कई लोगों ने इस सच्चाई की ओर इंगित कर दिया है कि जब कभी किसी व्यक्ति के बारे में बुरी मान्यताएं अपना ली जाती है तो वे स्वयं सिद्ध भविष्यवाणियों की तरह फलीभूत भी होती है। यानी वो कह रहे हैं कि अगर हम दूसरों के बारे में ये मान लेते हैं कि वो काम नहीं कर सकते या वो चीजों को ठीक से नहीं कर सकते या नहीं सीख सकते, तो वो व्यक्ति या बच्चे उस बात को साबित करके दिखा देते हैं कि हम जो मान रहे थे वो सही थे। और इस पर कुछ प्रयोग भी हैं जो लोगों ने किए हैं। तो अब जो है जॉनल्ट सवाल ही उठाते हैं कि भाई अब जो बच्चे डर रहे हैं उनको डरने से रोकें कैसे, बनाते हैं उसको कैसे दूर किया जाए। तो जॉनल्ट ने कोशिश की कि अपने शिक्षक बिल के साथ मिलकर कि वो दोनों मिलकर एक भूमिका तय कर लेंगे और उसी भूमिका को कक्षा में अपनाएंगे।
लेकिन बहुत जल्दी जॉनर्ल को समझ में आया कि जिस भूमिका पर बात करके वो स्कूल में जाते थे या कक्षा में जाते थे, बहुत ही जल्दी उस भूमिका में दोनों के मतभेद सामने आने लगते थे। अब उनके पास एक तरीका यह था कि वे उन मतभेद को छिपा लें और मुखौटा चढ़ा लें कि हम दोनों बिना मतभेद के कोई काम कर रहे हैं, और दूसरा यह था कि वो उन मतभेदों को जाहिर होने दें। तो जोनल ने देखा कि जब वो आदर्श शिक्षक बनने की कोशिश करते थे या अपने चेहरे पर मुखौटा लगाते थे तो बच्चे बहुत जल्दी भाप जाते थे और वो उनसे एक खास तरह व्यवहार करते थे, लेकिन जब वो सहज ढंग से काम करते थे तब तो बच्चे उनके साथ दूसरी तरह व्यवहार करते थे। जैसे साल के अंत में उन्होंने एक बच्चे से बात की तो बच्चे उनसे तो सहज हो चुकी थी। उसने बताया कि जब भी आप नाराज होने वाले थे मुझे पता चल जाता था। तो जॉन हर्ट को हैरानी हुई कि तुम्हें कैसे पता चलता था। तो उस बच्चे ने कहा कि आपका माथा नारंगी होने लगता था। तो जॉन हर्ट ने सोचा मेरा माथा नारंगी कैसे होगा। फिर जॉन हर्ट को याद आया कि उनका चूंकि रंग गोरा था और चमड़ी पतली थी, तो जैसे ही उनको गुस्सा आने लगता था या नाराज होने लगते थे उनकी चमड़ी थोड़ी गहरी हो जाती थी या थोड़ी लाल हो जाती थी, और बच्ची उनकी चमड़ी के गहरे रंग को भाप कर ये समझ जाती थी अब जॉन हर्ट नाराज होने वाले हैं और वो अपने व्यवहार को उसके हिसाब से बदल देती थी। ऐसे तो अंत में जॉन हर्ट कह रहे हैं कि भाई, फिर आखिरी हिस्से में जोनाल्ड ये कहते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की, उसके बावजूद मुझे कामयाबी मिली, इसमें कई बार नाकामी भी मिली। तो अंत में जोनाल्ड इस हिस्से के अंत में अपनी दुविधा को जाहिर करते हैं। अंत में एक बच्चे का जिक्र भी करते हैं, एक एंडी नाम का बच्चा है जो मतलब इस हिस्से के अंत में भय और असफलता वाले के, कि एक एंडी नाम का बच्चा है जिसको गणित सीखने में बड़ी मुश्किल होती है। वो और चीजें ठीक से कर लेता है पर गणित को वो ठीक से नहीं कर पाता। तो जोनर्ड कोशिश करते हैं कि उसको सवाल देते हैं, सवाल को अलग ढंग से देते हैं, उससे सवाल को एक से ज्यादा तरीके से करवाते हैं, उसी मदद करते हैं, लेकिन इसके बावजूद उसको गणित में मुश्किल होती है। तो उस अनुभव के आधार पे इस बच्चे को जो दिक्कत हो रही है उसके बारे में जोनर्ड इस हिस्से को समेकित करते हुए अंत में अपने ही पूरे काम पर सवाल उठाते हैं। मुझे लगता है वो हिस्सा भी हम पढ़ के देखें तो हमें समझ आएगा कि बावजूद बच्चों को बारीकी से देखने के, लगातार अपने अनुभव सोचने के, जोनर्ड को लगातार लगता है कि भाई जो चीजें मैं कर रहा हूँ उन चीजों में कितनी सफलता मिल रही है नहीं मिल रही है, वो उस पर विचार करते रहते हैं और अपनी दुविधाओं को जाहिर करते हैं। जैसे अंत में उस बच्चे के बारे में कहते हैं और इस पूरे हिस्से के बारे में कहते हैं भय और असफलता के, कि ये जो एंडी है बेवकूफ नहीं है। अपनी घबराहट और दुश्चिंताओं के बावजूद वह कुछ चीजों के प्रति जिज्ञासु है, तेज है और उत्साही है। उसकी लेखन शैली उसकी कल्पना शक्ति का परिचय देती है, पर वह सहमा हुआ सा रहता है। गणित के सवाल वह इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उसका दिमाग बड़ी सुस्ती से एक विचार से दूसरे विचार की ओर बढ़ता है और तब तक उसके आपसी रिश्ते खो जाते हैं। वह जितना सीखता है उतना याद नहीं रख पाता क्योंकि उसे अपनी याददाश्त पर भरोसा नहीं है। वह हर दिन नए सिरे से सीखने पर मजबूर होता है क्योंकि 9 जमा 7 बराबर 16 होते हैं, और आखिर इसका क्या भरोसा कि बीते कल व आज के बीच कुछ घट न गया हो या उससे होने वाली तमाम गलतियों में से एक इस तथ्य को याद रखने में ही उसने न कर डाली हो। इस स्थिति में उसे अपने विचारों पर विश्वास बने भी तो बने कैसे जब वो पहले कई बार गलत सिद्ध हो चुका है। तो जोनर्ड कहते हैं जिस असफलता निराशा और भय के दुष्चक्र में वो फंसा है उससे अगर वो उबर नहीं पाता तो मैं इस बच्चे के लिए कोई भविष्य देख ही नहीं पाता हूं, पर मैं यह भी नहीं जानता कि वह यह दुष्चक्र तोड़ेगा कैसे। मुझे तो यह विश्वास भी नहीं है कि हम जो उम्र में उससे बड़े हैं यह चाहते भी हैं कि वह इस चक्रव्यूह से बाहर निकले। उसका यूं सहमे रहना महज संयोग नहीं है, हमने उसे सचेत हो प्रयास करके डरना सिखाया है ताकि हम उसके आचरण को आसानी से नियंत्रित कर सकें और उससे वह सब करवाते रहें जो हम करना चाहते हैं या जो हम उससे करवाना चाहते हैं। भय और चिंता को बच्चों को नियंत्रित करने के औजारों के रूप में मैं स्वयं कितना काम में लेता हूं यह देखकर मैं खुद दहल जाता हूं। यह तब जबकि मैं सोचता हूं, कम से कम आशा तो यही करता हूं कि मेरी कक्षा में बच्चे अपनी पिछली कक्षाओं से कहीं कम डरते हैं। चेष्टा तो मैं यह भी करता हूं कि नियंत्रण और दबाव कम से कम रहे, पर फिर भी बच्चों से काम तो करवाना ही होता है ना, और फिर इसकी भी तो कोई सीमा रहनी चाहिए कि वे कक्षा में क्या कर सकते हैं। काम करवाने के और बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने के
जो तरीके मैं अपनाता हूं वे सब अंततः भय पर ही टिके रहते हैं, फिर चाहे वह मेरी नाराजगी का भय हो, स्कूल का हो या अपने माता पिता का हो। यह एक एंडी है जिसका भय उसे किसी भी तरह के रचनात्मक सोच या कर्म के लिए अक्षम बना डालता है। एक ओर तो मैं उसके डरों को तोड़ने का प्रयास करता हूं और दूसरी ओर मैं उससे वे सब काम करवाने के लिए जो उसे नापसंद है स्वयं को बाध्य भी पाता हूं। इसके लिए जो कुछ भी मैं करता हूं वह सब सजाई होती है, क्योंकि उससे काम करवाने की मेरे सारे प्रयास उससे उसमें ठीक वैसे ही भय पैदा करते हैं जिन्हें मैं बाकी समय में तोड़ने की कोशिश में जुटा रहता हूं। फिर बच्चे सब दुश्चिंताओं की जकड़न और बंधनों से टूटते हैं तो वे बंदी गृह से छूटे कैदियों की तरह या क्रांति में जीतने वाले वालों की तरह या सेमिनार में आए छोटे शहरों के व्यापारियों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। वे बार बार बात काटते हैं, जवान लड़ाते हैं, बदतमीज से पेश आते हैं और उन व्यस्कों के लिए सिरदर्द बन जाते हैं जो अब तक उन पर राज करते थे। ऐसे में उसे उसकी जगह बताने के लिए स्कूल और उसके माता पिता को खुश रखने के लिए मुझे उसे फिर से डराना पड़ता है। भय से जो मुक्ति मैं उसे एक हाथ से देता हूं अगले ही पल दूसरे हाथ से उसे छीन भी लेता हूं। इन सब का कोई अर्थ भी है क्या? तो हम देख सकते हैं कि जॉन ऑल्ट इस वाले हिस्से में भय और असफलता की चीजों पर लगातार बात करते हैं, उसकी कारणों की खोजबीन करने की कोशिश करते हैं। और जो शुरू में उन्होंने उसका विश्लेषण किया है कि भाई ये बच्चे डर रहे हैं और भय जो महसूस कर रहे हैं उसकी बड़ी वजह बड़ों की आंखों में, बड़ों की निगाहों में खुद को नाकाम या असफल साबित करने, असफल महसूस करना है। और अंत में जॉनल्ड अपनी दुविधाओं को जाहिर करते हैं कि भाई उनका उनकी भूमिका इस तरह की है कि वो चाहते हैं कि बच्चा डरे नहीं, बच्चा असफलता महसूस नहीं करे, लेकिन इसके साथ साथ ही स्कूल की वजह से, माता पिता की वजह से, शिक्षाक्रम पाठ्यक्रम की वजह से उनको वो सब चीज़ें करनी पड़ती है जिनकी वजह से डर पैदा होता है। तो वो उस द्वंद्व को भी जाहिर करते हैं अंत में। तो मुझे लगता है भय और असफलता में इतनी बात करते हैं, मेरी योजना यह है कि इसका अगला हिस्सा वास्तविक ज्ञान असल में गणित पर बहुत केंद्रित है, तो उस पर छोटे में बातचीत करना बहुत मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि उस पर अगले हिस्से में बात करेंगे। और चौथे हिस्से में आखिर में हम कि बच्चे स्कूल असफल कैसे होते हैं उस किताब का सारांश क्या, उस पर बात करेंगे। तो अभी मैं देखता हूँ कि अगर किसी का कोई टिप्पणी या सवाल है तो उस पर बात कर सकते हैं। नमस्ते सभी को जो लोग सुनने में शामिल हैं। अभी मेरे यहां पर मुझे इसमें किसी का कोई सवाल दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। तो क्योंकि किसी को सवाल नहीं है तो इस बातचीत को यहीं खत्म किया जाए और अगला जो इसका हिस्सा है उसमें हम इसकी इसी किताब के अगले हिस्से वास्तविक ज्ञान पर बात करेंगे।